हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है किसान बागवान चैनल पे। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा ये जो कीट आपको दिख रहे हैं इनको आपने लाइट के पास भी देखा होगा, इनको ल्यूकोफॉलिस कोनोफोरा इस तरह से कुछ कहते हैं और इनके बारे में मैं पूरा बताऊंगा आपको। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इन्हें, ये इस तरह से लाइट के पास आपने देखे होंगे। तो इनका जो स्टार्टिंग से मैं बताता हूं, जब ये निकलते हैं धरती से, ये क्या होता है कि यहाँ जहां भी हमारे तने होंगे या नरम जमीन होगी वहां पर आपने खोदा हुआ देखा होगा, वहां से ये निकलते हैं। अगर मुझे दिखेंगे, मैं कोशिश करूंगा, ये कहीं भी धरती में जहां इन्होंने अंडे दिए होते, आप यहाँ छोटे से छोटा सा देख सकते हैं, इस तरह से ये धरती से पैदा होते हैं और जून महीने में ही ये ज्यादा पनपते हैं। जहाँ आपकी नरम जमीन होगी वहां ये ज्यादा होते हैं। अगर मुझे यहाँ कहीं दिखा तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने एक आपको दिखा दिया है। तो इनका ये क्या करते हैं कि अभी इनकी जो ये स्टेज में ये भी आपको दिख रहे हैं, ये इस तरह से इस कलर के भी हो सकते हैं आप देख सकते हैं, और ब्लैक कलर में भी होते हैं। तो मैं इनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो धरती से जब ये निकलता है तब इसको पुपा इस तरह से बोलते हैं। उसका जो लाइफ सर्कल होता है वो आपने देखा होगा, इसी तरह से होते हैं। जब ये निकलते हैं धरती से, जब आपने कभी खुदाई की होगी देखा होगा इन्हें जरूर, तो उसे पुपा कहते हैं। मैं आपको वीडियो के साइड में जो आपको दिख रहा है इस स्टेज में ये जब होते हैं तब उन्हें पुपा कहते हैं, और इनका जो लाइफ सर्कल है वो 15 दिन तक ज्यादा से ज्यादा उस स्टेज में ये रहते हैं। उसके बाद जब ये अडल्ट हो जाते हैं फिर इस तरह से होते हैं, ये आप देख सकते हैं। जब ये अडल्ट हो जाएंगे, और अडल्ट की जो इनकी लाइफ रहती है वो 30 से 60 दिन तक रहती है एरिया के हिसाब से, और फिर ये अडल्ट एग देते हैं। 30 से जब ये 60 दिन के हो जाते हैं तब ये एग देना शुरू कर देते हैं। इनका जो लाइफ सर्कल है इतना ही होता है, और फिर उसके बाद ये एग देते हैं धरती में उस जगह पे जहां पर नरम जमीन हो। और फिर उससे क्या होता है, व्हाइट गर्भ आपने देखे होंगे, व्हाइट व्हाइट से कीड़े होते हैं, रूट बोरर होते हैं, वो फिर उसमें वो परिवर्तित हो जाता है जो इनका अंडा होता है। फिर उन जो व्हाइट व्हाइट गर्भ होते हैं, वो व्हाइट व्हाइट से कीड़े आपने देखे होंगे, वो फिर उनका जो लार्वा होता है उससे दोबारा पुपा तैयार हो जाता है। तो उसकी व्हाइट गर्भ की जो एज होती है वो 150 से 250 दिन के करीब वो धरती में रहते हैं। उसके बाद वो लार्वा छोड़ते हैं और फिर उससे पुपा दोबारा आ जाता है। पुपा फिर 15 दिन रहेगा, और उसके बाद फिर ये अडल्ट जो है ये 30 से 60 दिन में अंडे देंगे, और अंडा देने के बाद दोबारा से व्हाइट गर्भ हो जाएगा, और व्हाइट गर्भ की जब 150 से 200 दिन का हो जाएगा तो वो लार्वा छोड़ेगा, या मरने की जब स्टेज में होगा तो उसके बाद दोबारा से पुपा हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बारे में, जब वो पहली बारिश होती है हमारी, गर्मियों की बारिश जब पहली बारिश होती है तब से इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। तो आप उस वक्त भी अगर इनका वो कंट्रोल इन्हें करना चाहते हैं तो आप मेलाथियन 5D करके केमिकल है उसे आप ले सकते हैं, और 4810G होगा वो, 10G मांगना है आपने, उससे भी इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। और आप क्या कर सकते हैं, लाइट का जो ट्रैप होता है, लाइट का बल्ब लगा लीजिए एक, और उसके नीचे आप पानी रख दीजिए, उसे थोड़ा नजदीक रखे ताकि वो उसमें लाइट में वो ये बचते हैं, तो लगभग 1 फुट 2 फुट की दूरी पे रखे उसे ताकि ये उसमें बच के नीचे गिरते रहे। और नीचे जहाँ पानी होगा, पानी में आप या तो केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल डाल दीजिए या कोई इंसेक्टिसाइड वगैरह डाल दीजिए, तो उससे इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है। और वाइट गर्भ को आप अगर मानना चाहते हैं उसके लिए एक मेडिसिन भी आती है, वो उसका नाम ही गर्भ बैन है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और अगर आप लाइट ट्रैप लगाना चाहते हैं जो लाइट, जिससे लाइट में ये, जब लाइट के पास ये जाएंगे तो
वो भी ऑनलाइन मिल जाता है, अगर आप खुद बना सकते हैं तो खुद बना लीजिए, तो उसमें ये फंस जाएंगे और इनका जो सर्कल है वो टूट जाएगा और नेक्स्ट ईयर से आपको प्रॉब्लम कम आएगी अगर आप ये इनका इलाज कर लेते हैं। और इसमें अगर आप दवाई करना चाहते हैं कोई इंसेक्टीसाइड करे, जैसे टफागोर आता है एक टाटा वालों का, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा, आप उसे ले सकते हैं। और भी दवाइयाँ होगी, आप मेडिसिन शॉप में पता करें। और नीम ऑयल से भी इसको कंट्रोल किया जाता है, तो इस तरह से आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। और क्या करें, जब इनको आप जब आपकी खुदाई होती है, अगर आप बरसात आने के बाद खुदाई करते हैं एक बार, तो ये ऊपर आ जाते हैं और जो पंछी होते हैं वो इनको खा लेते हैं, उससे भी इन्हें कंट्रोल किया जाता है। अगर आप जैसे इस टाइम जून के महीने में बारिश आई है, अगर इस वक्त आप खुदाई करके रख दे तो ये ऊपर आ जाते हैं, जो पुपा होता है वो ऊपर आ जाता है और ये दिन को नीचे ही रहते हैं धरती में घास के बीच बैठे हुए, तो जो पंछी होते हैं वो भी इन्हें खा लेते हैं, जिससे इनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करेंगे आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आप हमारे को फेसबुक इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।